जय माँ कल, आपसे का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है आरपीएफ आरपीएफ की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आने वाली थी, जी हाँ, जानकारी आप लोगों को दी गई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से। आप लोग को बताया गया था आप लोग की आरपीएफ में रिक्रूटमेंट निकल के आने वाली है। जी हाँ, आरपीएफ के अंतर्गत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 4600 प्लस आप लोग की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आने वाली है उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है। कांस्टेबल का नोटिफिकेशन अलग है, एसआई का नोटिफिकेशन अलग है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग को जानकारी मिलने वाली है आरपीएफ की जो कांस्टेबल की वैकेंसी है 4200 प्लस वैकेंसी है, उसकी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलने, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसी प्रकार से आरपीएफ में जो एसआई की रिक्रूटमेंट है उसकी जानकारी भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम का लिंक दिया उससे भी जुड़िए। तो क्या है नोटिफिकेशन, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, ए टू जेड जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 2/2024। जी हाँ, नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया उससे जुड़िए, वहां भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आरपीएफ, जी हाँ, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आप लोग की वैकेंसी है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, 15/4/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और 14/5/2024 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन की बात की जाए, जी हाँ, मॉडिफिकेशन वगैरह आप लोग कर सकते हैं, करेक्शन आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे 15/5/2024 से 24/5/2024 के बीच में। लेकिन जो आप लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें आप लोग किसी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो भी ऑनलाइन अप्लाई आप लोग करेंगे उसकी डिटेल में आप लोग करेक्शन कर सकेंगे, जो कि 15/5/2024 से 24/5/2024 के बीच में आप लोग कर सकेंगे। जी हाँ, इसकी जानकारी भी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई होंगे, ओनली और ओनली ऑनलाइन अप्लाई होंगे, ऑफलाइन अप्लाई नहीं होने वाले। ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, लेवल 3 की आप लोग की सैलरी है, 21,700 इनिशियल पे है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और एज आप लोग की जो यहाँ पे रहने वाली है 1/7/2024। जी हाँ, 1/7/2024 को आप लोग की एज काउंट हो रही है। जनरल की 18 से 28 साल जनरल की एज रहने वाली है। जी हाँ, कोविड का जो बेनिफिट आप लोग को 3 साल का मिलना था, वो बेनिफिट मिलने के बाद आप लोग की एज यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो जनरल की एज यहाँ पे 18 से 28 साल है, ओबीसी को 3 साल का, एससीएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। आगे आने वाले समय में वीडियो में आप लोग को जानकारी मिलने वाली। जी हाँ, चलिए, टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप लोग की 4208 वैकेंसियां हो चुकी है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का नोटिस आया था उसमें 4206 वैकेंसी थी, 2 वैकेंसियां अभी आप लोग की बढ़ चुकी है। आने वाले समय में कितनी वैकेंसियां बढ़ेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है लंबे समय के बाद, लेकिन बड़ी वैकेंसी है आप लोग के लिए। आप लोग देख सकते हैं 3 साल का बेनिफिट यहाँ पे दे दिया गया कोविड-19 की वजह से। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई होंगे, और यहाँ पे आप लोग को बता दिया है क्लोजिंग डेट। जी हाँ, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्लोजिंग डेट तक आप लोग कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आप लोग अपीयरिंग है, यानी कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 10th क्लास पास है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। लास्ट डेट तक आप लोग के पास आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास होने चाहिए। जी हाँ, चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया एलिजिबिलिटी, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह के बारे में जानकारी आप लोग को दी गई। क्रूशियल डेट क्या रहने वाली है, SC ST OBC EWS और EBC जो सर्टिफिकेट वगैरह है आप लोग का, जो क्रूशियल डेट यहाँ पे माना जाएगा वो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट, या फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट तक आप लोग का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट होने चाहिए। सेंट्रल फॉर्मेट के आपके सर्टिफिकेट होते हैं, SC ST OBC आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस की जानकारी आप लोग को दी जाए तो बिल्कुल मेडिकली जांच आप लोग की होने वाली। एज की जानकारी दी जाए तो 18 से 28 साल, मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया, 1/7/2024 को आप लोग की एज काउंट होने वाली। जल्द से जल्द आप लोग अपनी एज काउंट कीजिए, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया email ID, जी हाँ, मेल मोबाइल नंबर और email ID आप लोग के पास होना चाहिए। जी हाँ, जब तक आप लोग की वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती, आप लोग के पास ये मोबाइल नंबर email ID होना चाहिए, इसी से आप लोग का जो है अकाउंट वगैरह क्रिएट होने वाला है। ठीक है, जो भी आप लोग का फोन नंबर होगा, email ID होगा, उसी पे आप लोग का मैसेज और मेल वगैरह आने वाला है। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी दी गई, सबसे पहले आप लोग को अकाउंट क्रिएट करना होगा। लेकिन आप लोगों ने RRB की किसी वेबसाइट, किसी रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, पहले आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप लोग को दोबारा से अकाउंट क्रिएट नहीं करना होगा 2024 की जो आप लोग की अभी रिक्रूटमेंट आई थी। और यदि आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग को अकाउंट क्रिएट करना होगा। जी, आप लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट करेंगे। और मैं आप लोग को क्लियर
कर दूं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें आप लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे, यानी कि जो आप लोग का अकाउंट क्रिएट होगा वो आप लोग का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से होगा, इसमें आप लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा जो आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। 250 रुपये आप लोग की फीस लगेगी यदि कोई करेक्शन आप लोग करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ। 15/5/2024 से 24/5/2024 के बीच में आप लोग जो है यहाँ पे जो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर्म आप लोग ऐसा अप्लाई कीजिए कि उसमें करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े, किसी प्रकार की कोई फीस आप लोग की ना लगे, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, स्टेज और एग्जाम यानी कि एग्जाम कौन कौन से होने वाले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जी हाँ, सबसे पहले आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि रिटर्न एग्जाम आप लोग का होने वाला है। रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का यहाँ पे फिजिकल बोले तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आप लोग का होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जी हाँ, 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे पास किए जाएंगे। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, सबसे पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आइए। रिटर्न एग्जाम यदि आप लोग के अच्छे नंबर होते हैं तो 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए, निगेटिव मार्किंग की जानकारी दी जाए तो जो आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होने वाली है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, कौन कौन से आइटम बैन है रिटर्न एग्जाम के समय वो आप लोग को लिखा गया है, आप लोग देख लेंगे। पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें आप लोग को लेकर के नहीं जानी है। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को दिए गए हैं, इसे आप लोग रीड कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग को क्लियर करता चल रहा हूँ। जी हाँ, कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक ही फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे। जी हाँ, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसमें आप लोग एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, कोई चालाकी आप लोग नहीं करेंगे, एक की जगह दो, दो की जगह तीन, मीन्स कुछ ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म आप लोग अप्लाई करना है। एक से अधिक फॉर्म यदि आप लोग अप्लाई करते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए तो आपके फॉर्म यहाँ पे बाकी सभी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपको यहाँ पे डिबार्ड कर दिया जाएगा यानी कि बहिष्कृत कर दिया जाएगा रेलवे के एग्जाम से। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, एक ही फॉर्म आप लोग को भरना है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है तो उसमें आप लोग करेक्शन कर सकेंगे। तो एक से ज्यादा फॉर्म आप लोग नहीं अप्लाई करेंगे। और यदि आप लोग को पहले डिवार्ड किया जा चुका है रेलवे से, रेलवे ने कभी आप लोग को बहिष्कृत किया है किसी प्रकार से, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। फादर नेम और मदर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है वो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के अनुसार ही होगी। यदि आप लोगों ने कभी नाम चेंज किया है तो उसकी डिटेल भी आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई के समय देना होगा। सिग्नेचर आप लोग का रनिंग स्क्रिप्ट यानी कि रनिंग हैंड से आप लोग को सिग्नेचर लिखना है रनिंग स्क्रिप्ट में, ब्लैक ब्लॉक और कैपिटल लेटर में आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर नहीं लिखना है, रनिंग राइटिंग में आप लोग को सिग्नेचर लिखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा वो ऑनलाइन अप्लाई के समय मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा। तो डेट ऑफ सीबीटी, जो भी आप लोग का रिटर्न एग्जाम फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, इसकी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैकेंसियां घट बढ़ सकती हैं, जी हाँ, सारे राइट्स रेलवे के पास हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके अलावा राइट टू अपॉइंटमेंट वगैरह, पोस्टिंग वगैरह, जो भी आप लोग का जोन वगैरह है, ठीक है, वहां पे आप लोग की अपॉइंटमेंट होगा। फ्री ट्रेन ट्रेवल, यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग को फ्री ट्रेन ट्रेवल मिलता है, यानी कि यदि आप लोग एससी एसटी कैंडिडेट हैं और यदि आप लोग चाहते हैं तो जो भी आप लोग का किराया लगेगा वो आप लोग का रिफंड हो जाता है। जी हाँ, आप लोग का रिफंड हो जाता है एससी एसटी कैंडिडेट। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बता दिया गया है किसी चेंजेस मॉडिफाइड डिलीट नेसेसरी एप्लीकेशन एनी स्टेज, ठीक है, और कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन का समय आप लोग को बताया गया। वैकेंसियां आप लोग की घट बढ़ सकती हैं और मेडिकल फिटनेस या मेडिकली आप लोग फिट होने चाहिए, मेडिकल कैटेगरी आप लोग की B1 रहने वाली है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को इंडियन रेलवे की वेबसाइट के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग का एज आप लोग की क्या रहने वाली है इसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी। 1/7/2024 को आप लोग की एज काउंट हो रही है, 18 से 25 साल आप लोग की एज रहती है, लेकिन 3 साल का बेनिफिट आप लोग को मिला है, तो अभी आप लोग की एज 18 से 28 साल हो गई है जनरल वालों की। बिल्कुल क्लियर मैं आप लोग को कर दूं, अब आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे कोई संघर्ष नहीं करना है, आप लोग को जो है एज में बेनिफिट दिया जा चुका है। तो जनरल वालों की एज यहाँ पे 18 से 28 साल है, ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट मिलेगा यानी कि 18 से 31 साल तक, और एससी एसटी को 5 साल का यानी कि 18 से 33 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेट वगैरह की जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है, यहाँ पे जो आप लोग की मिनिमम जो लोअर डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/2006 से, जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 2/7/1996 तक, इसी प्रकार से ओबीसी से हैं तो 1/7/2006 से 2/7/1993 के बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और एससी एसटी से हैं तो 1/7/2006 से 2/7/1991 के बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकेंगे ये डेट ऑफ बर्थ यदि आप लोग की रहती है तो।
यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, जनरल में अप्लाई करते हैं तो किसी भी प्रकार का एज में बेनिफिट आप लोग को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोग को दिए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी एनेक्सर 1, जी हाँ, नीचे आप लोग को दी गई है। इसकी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है वीडियो के लास्ट में। और इसके अलावा आप लोग को बता दिया गया है लास्ट डेट आप लोग की जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 14/5/2024 तक आप लोग के पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जी हाँ, अपियरिंग आप लोग नहीं होने चाहिए, यानी कि आप लोग 10th क्लास पास होने ही चाहिए। रिजल्ट आप लोग के पास होना ही चाहिए। एग्जामिनेशन फीस की जानकारी दी जाए तो यदि आप लोग एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटी और ईबीसी कैंडिडेट हैं तो ₹250 फीस लगेगी। इसके अलावा आप लोग अदर किसी भी कैटेगरी में हैं ₹500, यानी कि जनरल ओबीसी वालों को यहां पे ₹500 पे करना है और इसमें आप लोग के ₹400 रिफंड हो जाएंगे। जी हाँ, यदि आप लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि यदि आप लोग रिटर्न एग्जाम कंडक्ट अपियरिंग में होते हैं, आप लोग रिटर्न एग्जाम देने जाते हैं तो ₹400 में से आप लोग के रिफंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और ईबीसी कैटेगरी से आप लोग आते हैं तो ₹250 आप लोग के यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे यदि आप लोग रिटर्न एग्जाम देने जाते हैं तो। चलिए, मोड ऑफ फी पेमेंट आप लोग का ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है। माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं उसकी डिटेल आप लोग को दी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे माइनॉरिटीज में आते हैं। ईबीएस की कैटेगरी कहां से कहां तक है कि इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। और इसके अलावा आप लोग को रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस मैंने आप लोग को बता दिया है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस जनरल ओबीसी से है तो आप लोग के ₹400 वापिस हो जाएंगे, एससी एसटी से है तो आप लोग के यहाँ पे ₹250 पूरे वापिस हो जाएंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग को कुछ और डिटेल दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। क्लोजिंग डेट आप लोग को बता दिया गया। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए 8 लाख, जो भी आप लोग का क्राइटेरिया होता है पूरा वही होना चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की डिटेल भी आप लोग को दी है, यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन से हैं तो इसकी डिटेल को रीड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले रिटर्न एग्जाम, रिटर्न के बाद आप लोग का फिजिकल में आप लोग का पीईटी और पीएमटी दोनों ही होने वाला है। जी हाँ, और इसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सारा कुछ आप लोग को जो मैसेज के माध्यम से एसएमएस के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 10th लेवल का आप लोग का पेपर होने वाला, 90 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट, जी हाँ 90 मिनट का समय आप लोग को मिलेगा, 120 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, 1.5 घंटे का समय आप लोग को मिलने वाला है 120 क्वेश्चन। जी हाँ, और इसके अलावा 1 मार्क करेक्ट आंसर के हैं आप लोग के, और यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा यदि कोई गलत करते हैं, मीन्स यदि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो उसका एक मार्क्स आप लोग को मिलेगा। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे और 1.5 घंटे का आप लोग को समय मिलने वाला है। 1/3 आप लोग की माइनस मार्किंग है, क्लियर मैंने कर दिया। नॉर्मलाइजेशन आप लोग का होने वाला है क्योंकि कई शिफ्टों में एग्जाम चलने वाला है, काफी बच्चे फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। और मिनिमम पासिंग मार्क जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जानकारी दे दी है। जी हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 35%, एससी एसटी 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, लेकिन कट ऑफ आप लोग की आगे जाने वाली है। जी हाई जाने वाली है, 10 गुना कैंडिडेट फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। सिलेबस की जानकारी आप लोग को दी गई है, मैथ आप लोग का आने वाली है, जी रीजनिंग आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आप लोग की आने वाली है। तो मैथ आप लोग की 35 नंबर की, रीजनिंग आप लोग की 35 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आप लोग की 35 नंबर की, क्या क्या आएगा इसमें इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। इसके बाद आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो फिजिकल की डिटेल आप लोग को दी गई है। जी हाँ, मेल फीमेल दोनों ही जानकारी आप लोग को दी गई है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आप लोग की रनिंग होती है, रनिंग मेल 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी, और फीमेल है तो 800 मीटर की रनिंग होगी और 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा। मेल कैंडिडेट है तो लॉन्ग जंप 14 फीट और फीमेल कैंडिडेट है तो 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी। इसी प्रकार से हाई जंप होगी, मेल कैंडिडेट 4 फीट और फीमेल 3 फीट आप लोग की हाई जंप होने वाली है। पीएमटी की जानकारी आप लोग को दी जाती है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आप लोग की हाइट चेस्ट नापी जाएगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है तो मेल कैंडिडेट है 165 सेंट आप लोग की हाइट होनी ही चाहिए, जी हाँ मिनिमम, और फीमेल है तो 157 आप लोग की मिनिमम हाइट होनी चाहिए। एससी एसटी से हैं तो आप लोग की हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी ही चाहिए, फीमेल 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी ही चाहिए। गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूनी और अदर कैटेगरी से आप लोग आते हैं, इसमें आप लोग की जो हाइट मेल कैंडिडेट 163 मिनिमम होनी चाहिए, फीमेल 155 सेंटीमीटर मिनिमम होनी ही चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चेस्ट की जानकारी भी आप लोग को दी है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट चेस्ट मेजरमेंट आप लोग का नहीं होता है, 80-85, जी हाँ 80 मिनिमम और फुलाव के बाद 85 आना ही चाहिए। एससी एसटी से हैं तो 76.2 आप लोग का मिनिमम और फुलाव के बाद 81.2 आप लोग का आना ही चाहिए। गढ़वाली, गोरखा, मराठा वगैरह हैं तो 80 और फुलाव के बाद 85 आप लोग का आना ही चाहिए। बिल्कुल डिटेल आप लोग को दे दी गई है फिजिकल की, और इसके अलावा आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। आने वाले समय में आप लोग को
मेडिकल वगैरह आप लोग का होगा, B1 कैटेगरी मैंने आप लोग को बता दिया, ट्रेनिंग और हाउ टू अप्लाई, देखिए ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो में आप लोग को हाउ टू अप्लाई की जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी। चलिए इसके अलावा आप लोग को एप्लीकेशन इनवैलिड एप्लीकेशन किस कारण से आप लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा इसकी जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कांस्टेबल, जी हाँ 21,700 पे आप लोग का B1 मेडिकल कैटेगरी, और यहाँ पे 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे कर दिया है। टोटल वैकेंसी आप लोग को बता दी गई है, जनरल SC ST OBC मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की कितनी कितनी वैकेंसी है, एक्स सर्विस मैन वगैरह की पूरी डिटेल आप लोग की वैकेंसी यहाँ पे खोल के रख दी गई है। बिल्कुल 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 4,208 वैकेंसियां कांस्टेबल के लिए है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है RPF के अंतर्गत जो आप लोग की कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। जी हाँ और कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम का लिंक दिया उससे जुड़िए, और ऑनलाइन अप्लाई के वीडियो का वेट कीजिए, उसमें ऑनलाइन अप्लाई की पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, जानते पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बताइए, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।